नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ष 2020 और कुंभ लगन, बहुत सारे लोगों को मैंने लगन समझाने की कोशिश की है, फिर भी बार बार कमेंट बॉक्स में ये पूछा जाता है कि ये लगन कौन सा है। तो अगर आपको कुंभ लगन समझना है तो आपको क्या करना है, बेसिकली अपनी कुंडली को ओपन कर लीजिए, उस पे देखिए लगन कुंडली लिखा होना चाहिए। बहुत सारी कुंडलियां होती हैं तो उसमें से लगन कुंडली देखिए। सबसे पहले कुंडली जनरली लगन कुंडली दी रहती है हर सॉफ्टवेयर में, उसमें आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे 11 नंबर लिखा है या नहीं लिखा है। अगर यहाँ पर 11 नंबर लिखा है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। कुंभ लगन का जो मालिक होता है वो शनि देव होते हैं, यानी शनि देव आपके अति योग कारक प्लेनेट है। और शनि देव का इस वर्ष जनवरी 24 से राशि परिवर्तन हो रहा है, और अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो अभी ये धनु में है, लेकिन 24 जनवरी को ये मकर में पहुंच जाएंगे, अपने घर में पहुंच जाएंगे। देखिए इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सूचना। एक तो कुंडली एक्सपर्ट चैनल ने पूरे एक साल कंप्लीट कर लिए 4 नवंबर को। इसके लिए सभी जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, और इसी तरीके का सहयोग आपसे हमेशा मिलता रहे जिससे कि एस्ट्रोलॉजी को एक नए शिखर तक पहुंचाने की कोशिश जो मैं कर रहा हूं उसको एक लेवल तक मैं लेके पहुंच जाऊं। तो आपको 2-3 बातें इसके अंदर निश्चित रूप से जानना चाहिए। सबसे पहले तो दैनिक राशिफल, कुछ ही दिनों में दैनिक राशिफल भी अपलोड होने वाला है, और दूसरा और दैनिक राशिफल की जो अवधि होगी वो एक राशि के लिए 30 से 45 सेकंड का वीडियो होगा, और टोटल 5-7 मिनट का मैक्सिमम वीडियो रहेगा जिसको आसानी से लोग समझ सकते हैं, दैनिक राशिफल रहेगा। दूसरा मोबाइल ऐप, एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल ऐप, ऐसा मोबाइल ऐप जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी, जिसको साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है, और इसको डाउनलोड करने के बाद दुनिया भर में लोग एस्ट्रोलॉजी के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ये मेरा वादा है। और इस एस्ट्रोलॉजी ऐप को बनाने में मैंने पूरे अपने 12 साल का जो करियर था उसको पूरा इसमें लगा दिया है, और 12 साल की पूरी जितनी भी मेहनत मैंने सीखी थी उसको इस ऐप के थ्रू लाने की कोशिश की है, जिससे कि समाज का ज़्यादा से ज़्यादा भला किया जा सके। एस्ट्रोलॉजी एक वैदिक जो ज्योतिषी है उसकी सत्यता को आजकल अलग अलग ज्योतिषी अलग अलग कुंडली में, सेम कुंडली में अलग अलग बातें कह देते हैं, तो लोगों में कन्फ्यूजन सा डेवलप हो जाता है। तो ये ऐप आपको कॉन्ट्राडिक्शन से बचाएगा, इसमें एक्यूरेसी लेवल भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और कुंभ लगन वाले जितने भी जातक हैं इनका 2020 कैसे बीतेगा, इस साल 4 चंद्रग्रहण लगने वाले हैं। पहला चंद्रग्रहण 10 जनवरी को लगेगा जिसको भारत में देखा जाएगा, और ये पूर्ण खंड ग्रास चंद्रग्रहण होगा। दूसरा चंद्रग्रहण 5 जून को लगेगा जो कि भारत में नहीं दिखाई देगा। तीसरा चंद्रग्रहण 5 जुलाई को लगने वाला है और इसे भारत में भी देखा जा सकता है। और 2020 का अंतिम चंद्रग्रहण 30 नवंबर को देखा जा सकता है। तो इसमें से 2 चंद्रग्रहण भारत में देखा जा सकता है और 2 को भारत में नहीं देखा जा सकता है। इसी के साथ 2 सूर्य ग्रहण भी लगने वाले हैं। पहला सूर्य ग्रहण जो होगा वो 21 जून 2020 में लगेगा, और याद रखिएगा ये डेट और मेरी भविष्यवाणी है, इसको नोट कर लीजिएगा, 21 जून 2020 ये एक ऐसा डेट है जिसमें 7 प्लैनेट वक्री होने जा रहे हैं। देखिए सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते हैं, ये हमेशा मार्गी रहते हैं। 7 की जगह 6 प्लैनेट वक्री रहेंगे, मंगल वक्री नहीं रहेगा, इसके अलावा सारे प्लैनेट वक्री रहेंगे। तो जब 6 के 6 प्लैनेट वक्री हो जाएं और 3 प्लैनेट
में से चंद्रमा अस्त हो जाए, यानी केवल मंगल और सूर्य यानी राजा और सेनापति केवल जागृत रहे, तो इस समय युद्ध की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पर भी एक अगला वीडियो कुछ दिन में आपको लाइव सेशन या आपको अपलोड करके मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी जरूर चेक कीजिएगा। इस वर्ष का जो राजा होगा वो बुध होगा और जो मंत्री है वो चंद्रमा रहेंगे। तो कुंभ लगन पर कैसा बीतेगा ये पूरा साल, इसको हम वन बाय वन समझते हैं। इसको समझने से पहले मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखा रहा हूँ, जो एस्ट्रोलॉजी का चार्ट है जिसको कुंडली कहते हैं। इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आपको जरूर दिखाई देगी, बट मैं तथ्यों के आधार पे बात करता हूँ। मैं ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जो केवल बता दिया जाए कि ऐसा ऐसा होगा और ऐसा ऐसा होगा। आप मेरी बात को भी सुनकर अपना चैनल ओपन करके उस पर आप अच्छे तरीके से बोल दीजिए। अगर भविष्यवाणी सत्य होगी मेरी, तो आपकी भी भविष्यवाणी सत्य होगी। तो ये एक ना कहीं पे धोखा देने वाली बात होती है, जो कि आज की डेट में कई एस्ट्रोलॉजर यूज कर लेते हैं। एक ही भविष्यवाणी को अगर आप चेक कीजिएगा तो तीन तीन चार चार एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं, और एक की सही होती है तो तीन चार की सही हो जाती है, और लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि किसकी बातों में दम है। तो मैं यहाँ पर यही चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर बातों में दम है तो एस्ट्रोलॉजिकल वर्ड्स भी बोलना चाहिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको एस्ट्रोलॉजी वर्ड्स बोलना चाहिए। सामान्य जनता को समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि जनता आज की डेट में पूरे तरीके से एस्ट्रोलॉजी नहीं जानती है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी है, तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि मेरे से शिक्षा भी लेते हैं वो भी एस्ट्रोलॉजी सीखते रहते हैं, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी मेरे वीडियोस को देखते हैं। तो जब हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो चीज़ों को समझने में आसानी होती है। तथ्यों के आधार पर बात कीजिए, हवा में किसी प्रकार की कोई बातें मेरे इस चैनल पे नहीं देखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि गोचर कैसा कैसा होगा। देखिए, ट्रांजिशन पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। आपकी लगन कुंडली एक बार जो बन गई उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं चेंज कर सकती। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपको मिल गया, उसको डेटा फीड करने के बाद सॉफ्टवेयर से जो भी आप कुंडली बनवा ले या किसी पंडित से आप अपनी कुंडली बनवा ले, वो एक बार बन गई तो कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन गोचर हमेशा चेंज होता रहता है। तो 50% जो है वो लगन कुंडली और 50% गोचर, इन दोनों को मिला दिया जाए तो एग्जैक्ट प्रोडक्शन करना इजी हो जाता है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि ये गोचरीय व्यवस्था जो है किन किन डेटों में चेंज हो रही है। इसको समझने के लिए, हालांकि पहले बार अगर आप देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन चीजों को आप समझ सकते हैं। ये जो यहाँ पे जो मैंने प्लैनेट्स बनाए हैं, आप देखिएगा, गुरु, शनि, सूर्य, बुध, केतु, ये धनु में पांच प्लैनेट हैं। मैंने धनु में पांच प्लैनेट क्यों बनाया, जब 1 जनवरी की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि 9 वर्ष की बात कर रहे हैं इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग, 9 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप चेक कीजिएगा तो पांच ग्रह जो रहेंगे धनु में रहेंगे, और शुक्र मकर में रहेंगे, मंगल वृश्चिक में रहने वाले, और राहु धनु में मिथुन में अवेलेबल रहेंगे। चंद्रमा को इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि चंद्रमा हर 1.25 डेज में लगभग एक नक्षत्र को क्रॉस कर लेते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं चंद्रमा को यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। लेकिन जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको आपको समझना पड़ेगा, क्या कौन से प्लैनेट, तो पहले आपको समझना पड़ेगा आपके लिए अच्छे होते हैं, इस कुंभ लगन में अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं, और कौन से प्लैनेट आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजिशन को जो मैंने समझाया है, सूर्य की कंडीशन को ले लीजिए। तो सूर्य देखिए रेड कलर से मैंने यहां पर दिखाया है, 15 जनवरी को मकर में, फिर 13 फरवरी को ये कुंभ में जाएंगे, 14 मार्च को ये मीन में जाएंगे, 13 मार्च को मेष में जाएंगे। ऐसे रेड कलर की जो ये लाइंस मैंने लिखा है, ये सूर्य का ट्रांजिशन डेट किस राशि में जा रहे हैं उसको दिखाया गया। इसके अलावा आप देखिएगा, बुध का ट्रांजिशन जो है 13 जनवरी,
31 जनवरी, 7 अप्रैल, 25 अप्रैल, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये सभी बुध का ट्रांजिशन डेट को दिखाया गया है। इसी तरीके से शुक्र को ब्लू से दिखाया गया, 9 जनवरी, 3 फरवरी। इस तरीके से ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन शुक्र के लिए रिप्रेजेंटेड किया गया है। इसके अलावा राहु और केतु का राशि परिवर्तन 23 सितंबर को होने वाला है। राहु और केतु 23 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, और शनि का जो राशि परिवर्तन होगा वो 24 जनवरी को राशि परिवर्तन इसका होना है। और ये धनु से निकल के स्वगृही हो जाएंगे, और न्याय का देवता जब अपने घर में जाएगा तो सभी के लिए यहाँ पर न्याय पूर्ण काम देगा। और सबसे बड़ी चीज है आपका लग्नेश है, और आपका लग्नेश अगर खुद लग्न में आपके 12th हाउस में चला जाए तो सबसे पहले तो विदेश में जाने का योग बना देता है, दूसरा स्थान परिवर्तन के योग बना देता है, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन योग बना देता है। तो कुछ चेंजिंग आते ही 24 जनवरी के बाद स्थान परिवर्तन के योग बन जाएंगे, इसके लिए आप तैयार रहिएगा मेंटली। लग्न कुंडली में क्या स्थिति है, कौन सी विषंत्री दशा चल रही है, कौन सी योगिनी दशा चल रही है, इस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, लेकिन फिर भी गोचर में 50% तो यहाँ पर ये हेल्प करने वाला है। दूसरी बात, गुरु का राशि परिवर्तन ऑलरेडी 5 नवंबर 2019 को हो चुका है, और ये पूरे साल धनु में अवेलेबल रहेंगे। और जब तक शनि, केतु और गुरु एक साथ हैं तब तक तो प्रॉब्लम धनु में रहेगी रहेगी। और जैसे ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ से निकलकर देव गुरु बृहस्पति के साथ शनि अपने घर में चले जाएंगे, तो शनि अपने घर में, गुरु अपने घर में, उसके बाद धीरे धीरे चीजें आपकी लाइफ में ठीक होती जाएगी। इसके अलावा गुरु 14 मई से लेके 13 सितंबर तक वक्री रहेंगे, और शनि 11 मई से लेके 29 सितंबर तक वक्री रहेंगे। अब हम समझते हैं कि आपकी जो लग्न कुंडली है इसमें अच्छे प्लेनेट और खराब प्लेनेट जनरली क्या होते हैं, क्योंकि राशिफल आपको तभी समझ में आएगा जब आपको खुद पता हो कि अगर आपका लग्न कुंभ है तो कौन से प्लेनेट अच्छे होते हैं, कौन से खराब होते हैं। तो शनि अति योग कारक होता है, क्योंकि लग्नेश कभी भी खराब नहीं होता है, तो शनि आपके लिए हमेशा अच्छा फल देने वाला है। दूसरी बात करें तो देखिए, सबसे योग कारक प्लेनेट इसमें शनि के बाद शुक्र होता है, क्योंकि शुक्र सुख स्थान का स्वामी है, भाग्य का स्वामी है। तो शुक्र भाग्य और सुख स्थान का स्वामी होने के कारण आपके लिए अति योग कारक है। शुक्र 2nd नंबर पे, 1st नंबर पे शनि, ये दोनों ही आपके लिए अच्छा योग बनाते हैं इस लगन कुंडली में। इसके अलावा बुध भी कुंडली में आपका अच्छा, आपकी आयु का मालिक है, और साथ में आपके पंचम स्थान का प्रेम प्रसंग शिक्षा है, इसका मालिक है बुध, तो ये भी अति योग कारक माना जाता है। खराब कौन से प्लेनेट होते हैं, सबसे पहले इस कुंडली में देखिएगा तो इसमें सूर्य कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि मारक प्लेनेट है, निगेटिव प्लेनेट है, शनि और सूर्य की दुश्मनी तो आप जानते ही है, तो इसलिए सूर्य इसमें कभी भी अच्छा फल नहीं देता है। साथ में मंगल इसमें न्यूट्रल फल होता है पोजीशन पे, इट विल गिव पॉजिटिव अगर इसका पोजीशन अच्छे जगह पर प्लेस्ड है, अदरवाइज इट विल गिव अ नेगेटिव इंपैक्ट। सो इट इज अ न्यूट्रल प्लैनेट इन एक्वेरियस एसेंडेंट। इसके अलावा जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो इस कुंडली में मारक प्लैनेट माने जाते हैं, क्योंकि द्वितीय स्थान और एकादश दोनों के ये मालिक होते हैं, इसलिए मारक प्लैनेट की संज्ञा दी जाती है। राहु और केतु में से राहु योग कारक होते हैं, केतु योग कारक नहीं माना जाता है यहाँ पे। हालांकि कई वेदों में, कई ज्योतिषीय बुक में राहु केतु को योग कारक नहीं कहा जाता है, लेकिन फिर भी जहां तक मैंने पर्सनली अपने लाइफ में देखा है यहाँ पर अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि लग्नेश के मित्र होते हैं राहु, तो राहु यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। अब हम समझते हैं कि ये पूरा जो चार्ट बना है आपको किस तरीके से ये इफेक्ट करने वाला है। हम इसको मंथ वाइज पढ़ेंगे, जनवरी कैसा बीतेगा, फरवरी कैसा बीतेगा, और फिर लास्ट में सामान्य लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे कि हेल्थ, मनी, जॉब, करियर, स्टडी, लव एंड रोमांस,
ट्रैवलिंग और कुछ अलर्ट्स यहाँ पर आपको नोट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, जनवरी मंथ आपके लिए कैसा बीतने वाला है। तो देखिए, जनवरी में चार प्लैनेट अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सबसे पहला राशि परिवर्तन शुक्र कर देंगे, 9 जनवरी को आपके लगन में आ जाएंगे और लगन में शुक्र का आना आपको सुख की अनुभूति देगा। भूमि वाहन मकान का सुख यहाँ पर देगा। अगर आपने कोई मकान खरीद रखा, आपके पोजीशन नहीं मिल रहे हैं तो मकान के पोजीशन मिलने के डेट मिल जाएंगे। और साथ में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं भूमि वाहन मकान खरीदने के लिए, तो भूमि वाहन मकान खरीदने का योग भी बना देगा। और इस ड्यूरेशन में भाग्य आपका साथ देगा, छोटी मोटी यात्राएं ये करा सकता है। तो शुक्र का राशि परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। इसके अलावा जो सूर्य है आपके लगन से द्वादश चला जाएगा और रोग स्थान पे देखेगा, और सेपरेटिंग प्लेनेट होने के कारण रोग ऋण शत्रु सभी को खत्म कर देगा। तो वर्ष का जो स्टार्टिंग होगा वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। इसके अलावा जब सूर्य के बाद आपका बुध का भी राशि परिवर्तन होगा, उससे पहले ही होगा, सूर्य का 15 जनवरी और बुध का 13 जनवरी को राशि परिवर्तन होगा। लेकिन राशि परिवर्तन होने के कारण बुध जो है 12th हाउस में चले जाएंगे, और 12th हाउस में जाने के कारण संतान को विदेश में जाने के योग बना देंगे। संतान पक्ष से लेकर कुछ चिंताएं भी डेवलप कर सकते हैं, संतान पक्ष को लेकर अस्पताल के खर्च भी बढ़ सकते हैं, शिक्षा को लेकर कुछ खर्च बढ़ा सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। आपका प्रेम प्रसंग में भी पैसे यहाँ पर खर्च कराएगा। तो जनवरी मंथ जो है, जब तक शनि का राशि परिवर्तन नहीं होता, यानी 24 जनवरी तक आपके लिए बुध को छोड़ के सूर्य और शुक्र दोनों ही अच्छा फल देने वाले हैं। इसके अलावा क्या होगा, 24 जनवरी को शनि धनु से निकल के मकर में आ जाएंगे, और जैसे ही ये मकर में आएंगे स्थान परिवर्तन का योग तुरंत बन जाएगा। जो लोग वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे, उनका जिनका वीजा रिजेक्ट हो जा रहा था बार बार, अब वो टाइम आ जाएगा। अगर आपका लगन कुंभ है तो उसमें वीजा लगने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रही है। खर्च की भी अधिकता इस साल ज्यादा रहेगा, क्योंकि देवगुरु जो आपके हैं, मतलब जो आपके अत्यंत श्रेष्ठ ग्रह माना जाता है, आपका लग्नेश जो है आपके लगन का स्वामी होके 12th हाउस में जाकर बैठेगा, तो आपको खर्च की अधिकता ज्यादा होगी इस साल। तो अपना फाइनेंस आप मेंटेन करके रखिए। हालांकि पैसे आएंगे, लेकिन खर्च होने की टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जनवरी मंथ ओवरऑल एवरेज से बहुत अच्छा बीतने वाला है। लेकिन फरवरी मंथ पे आ जाइए। देखिए, फरवरी मंथ में सूर्य लगन में आ जाएंगे, लेकिन लगन में आकर अपने घर को देखेंगे तो पार्टनरशिप के लिए अच्छा। अगर आप कोई पार्टनरशिप में कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से ये काम स्टार्ट कर लेना चाहिए। आपको निश्चित रूप से यहाँ पर प्रॉफिट मिलने वाला है। इस टाइम में जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के कारण आपकी लड़ाई हो सकती है किसी से। वाणी थोड़ी सी उग्र हो सकती है, विशेष रूप से फरवरी और मार्च। तो रिलेशंस खराब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा कूल रह के आपको काम करना चाहिए। और इस पूरे ड्यूरेशन में, क्योंकि जो शनि ग्रह है आपके लगन से 12th हाउस में जा रहे हैं, तो इसलिए शुक्र शनि का जो बीज मंत्र है और शुक्र का बीज मंत्र भी, अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीच के नहीं है तो आपको शुक्र का भी बीज मंत्र यहाँ पर जरूर करते हुए चलना चाहिए, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में हमेशा आती जाए। अब हम बात करते हैं जनवरी फरवरी मंथ में सूर्य आपके लगन में रहेंगे और इसी समय मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा। मंगल 8 फरवरी को धनु में चले जाएंगे और कर्म स्थान का मालिक इनकम में चला जाए, तो स्थान परिवर्तन जो मैं देख रहा हूँ, इससे इनकम भी बढ़ने की संभावना मुझे दिख रही है। क्योंकि मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके इनकम भाव में जा रहा है, यानी कर्म स्थान का मालिक इनकम में जा रहा है। तो ट्रांसफर तो योग शनि बना रहे हैं, लेकिन मंगल जो है कार्य क्षेत्र में इनकम को बढ़ाएंगे, पैसे बढ़ेंगे, यानी स्थान परिवर्तन करना आपके लिए हितकर रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपनी कुंडली का आपको विश्लेषण करवा लेना चाहिए, क्योंकि आपकी लगन कुंडली क्या कह रही है। गोचर में तो 50% ही है,
हेल्प करने वाला है। अब हम अगले मंथ की बात करते हैं, तो आपका जन्म फरवरी मंथ भी ठीक जाने वाला है। मार्च की बात करें तो मार्च में कुछ गतिरोध अवरोध आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है, कुछ काम बनते बनते रुक जाएंगे। परिवार में तनाव की स्थिति थोड़ी सी डेवलप हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए हेल्थ के मामले से ये टाइम अच्छा रहेगा। और आपके कार्य क्षेत्र में जो परेशानियां चल रही थी उससे आपको रिजॉल्व हो जाएंगी वो सारी प्रॉब्लम्स, और परिवार में कष्ट अभी भी बना रहेगा। मार्च के बाद अप्रैल की बात करते हैं, तो अप्रैल मंथ में आपके छोटे भाई बहनों से विवाद होने की कंडीशन हो सकती है। विशेष रूप से आपके पत्नी के जो छोटे भाई बहन हैं, क्योंकि पत्नी आपके सप्तम स्थान, पत्नी या पति आप ये कह सकते हैं, जीवन साथी का जो छोटा भाई बहन है उनसे विवाद होने की कंडीशन यहाँ पर बन रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल सकता है मई में, अप्रैल में, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको शुक्र का बीज मंत्र इस ड्यूरेशन में जरूर करना चाहिए, सुख की अनुभूति आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मई मंथ आपके लिए एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि मई मंथ में सूर्य आपके सुख स्थान पर रहेगा, मई मंथ में बुध भी आपके सुख स्थान पर रहेगा, और मई मंथ में शुक्र की जो पोजीशन होगी वो भी लगभग सुख स्थान पर रहेगी। तो सुख स्थान का मालिक सुख स्थान पर रहे, हालांकि सूर्य का वहां पर बैठना अच्छा नहीं है, क्योंकि रोग का स्वामी सुख में आ गया, यानी भूमि वाहन मकान में इस समय इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। लेकिन सुख स्थान का मालिक जो शुक्र है, तो शुक्र का बीज मंत्र अगर आप करते रहते हैं तो आपको कभी भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट कंडीशन एक ही होना चाहिए, शुक्र आपकी कुंडली में नीच का नहीं होना चाहिए। अगर ये नीच का है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो मई का महीना आपके लिए अच्छा है, लेकिन कुछ विवाद भी यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे शुक्र का बीज मंत्र 2 महीना जरूर कीजिएगा, एक तो जब फरवरी वाली बात कर रहे हैं, अप्रैल वाली और मई वाली बात, अप्रैल और मई में निश्चित रूप से आपको शुक्र का बीज मंत्र करते रहना चाहिए। अब हम जून की बात करते हैं। जून में आपको, क्योंकि प्रेम का से लव मैरिज के योग यहाँ पर बना सकता है, हालांकि देखिए सूर्य एक सेपरेटिंग प्लेनेट है और यहाँ पर अति योग कारक नहीं है, फिर भी यहाँ पे पंचम में जा रहा है, सप्तम का स्वामी होके पंचम में जा रहा है, तो प्रेम विवाह के यहाँ पे योग बना सकता है। और जिनकी शादी नहीं हुई थी उनके शादी के योग भी ये बनाएगा मई मंथ में। साथ में जून और जुलाई में भी ऐसी चीजें रहेंगी, हालांकि जुलाई के बाद ही ये बनेगा जब अपने घर में जाएगा। अगस्त सितंबर में लगभग शादी की योग ज्यादा बन जाएंगे, जिनकी शादी काफी दिनों से नहीं हो पा रही थी, उनकी एज निकल रही है, उनके लिए यही एक मंथ होगा। अगस्त से लेके आप मान के चलिए नवंबर के बीच का जो टाइम होगा उसमें शादी के योग, प्रबल योग यहाँ पर बन रहे हैं। अगर कुंभ लग्न है, विद्यार्थी वर्गों के लिए ये पूरा साल मिला जुला असर देखने को मिलेगा, कुछ महीने अच्छे होंगे। आपको जून और सितंबर ये 2 मंथ से बचना होगा, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 मंथ में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल बाकी जो 9 मंथ बच रहे हैं उसमें आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी। हेल्थ के मामले से ये पूरा साल आपके लिए अच्छा होगा। अगस्त में जितने भी रोग ऋण शत्रु हैं, आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो सभी सामने आएंगे और एक एक शत्रुओं का पतन होगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। आप शत्रु को पहचान लेंगे, दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, और जब शत्रु को आप पहचान लेंगे तो आपके आगे आने वाले लाइफ के लिए ये अच्छा इंडिकेशन रहेगा। आपके ऊपर अगर किसी ने भी एलिगेशन लगाया तो उस एलिगेशन से भी आपको निगेटिविटी कुछ भी नहीं होने वाला है, उल्टा जिसने एलिगेशन लगाया उसका विनाश हो जाएगा। वो एलिगेशन जिसने भी लगाया होगा वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, आपका कोई बाल भी बांका यहाँ नहीं कर पाएगा। विशेष रूप से
व्यापार के लिए और जीवन साथी के सहयोग के लिए अगस्त और सितंबर का मंथ काफी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। अगस्त और सितंबर दोनों ये मंथ आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। कोई पैतृक संपत्ति इस ड्यूरेशन में मिलने की संभावना बन रही है, लेकिन छोटे मोटे एक्सीडेंट होने का जो टाइम है 16 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर के बीच में ये टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो सितंबर में शनि राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा, तो राहु का राशि परिवर्तन वृष में चला जाएगा जो कि उच्च के हो जाएंगे, और अति योग कारक, हम मैं कहता हूँ इसमें योग कारक ही होते हैं राहु, तो अचानक से आपको यहाँ पर जॉब में बिजनेस में सडन ग्रोथ दे देंगे, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आपको मिल जाएगा जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर ग्रोथ मिल जाएगा। लेकिन विदेश में जाने के पूरे पूरे योग बनाएगा, क्योंकि जब राहु यहाँ बैठेगा और 12th हाउस को देखेगा तो 12th हाउस में वहां पर शनि भी होगा, तो शनि और राहु जब भी एक साथ बैठते हैं तो लंबे टाइम तक वाले योग बना देते हैं। तो स्थानांतरण जो होगा वो ऐसा नहीं होगा 1 साल के लिए, 5 साल 6 साल ऐसे योग बना देगा, स्थान परिवर्तन के योग यहाँ पर बनाएगा। इसके अलावा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कोई मेजर चीजें मुझे नहीं दिखाई दे रही है। राहु का राशि परिवर्तन अच्छा है, लेकिन राहु एक झूठा प्लेनेट होता है और इसकी दृष्टि अगर 12th हाउस में पड़ जाती है तो जेल यात्रा तक भी करा देता है, तो आपको बहुत ध्यान देना होगा। हो सकता है कि कोर्ट केस भी यहाँ पर ये करा दे, लेकिन क्योंकि मिश्रित फल देता है यहाँ पे, सप्तम स्थान सप्तम दृष्टि से कर्म क्षेत्र में तो अच्छा करेगा, लेकिन इसकी जो द्वादश स्थान पे शनि और राहु की युति बनेगी वो अच्छा नहीं रहने वाला है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देने की रिक्वायरमेंट बन रही है। तो ओवरऑल राशि परिवर्तन आपके लिए जो होगा इसको साधारण लैंग्वेज में समझते हैं, हेल्थ के लिए मैंने 80% दिया है, यानी 10 में से 8 मंथ आपके बहुत अच्छे बीतेंगे हेल्थ के मामले में बात किया जाए तो। मनी के लिए भी ये पूरा साल अच्छा रहने वाला है, 10 में से 8 महीने पैसों की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, 80% मनी के लिए अच्छा रहेगा। जॉब के लिए 70% है, करियर के लिए यहाँ पर मैंने 3.5 यानी 70% करियर के लिए भी अच्छा योग बन रहा है, शिक्षा के लिए भी 3.5 यानी 70%, लव रोमांस के लिए 80% और ट्रैवलिंग के लिए 70% यहाँ पर योग बन रहा है। तो ये पूरा साल आप लोगों के लिए मंगलमय जाए ऐसी मैं कामना करता हूँ, और जाते जाते नए साल के आरंभ होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा, ओम नमः शिवाय।